हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द कॉल को। ये साउथ कोरियन मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई है, जो कि एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी दूंगी जो कि इस मूवी के एंड में हमें मिले नहीं है, कि मूवी में जो सारी की सारी सिचुएशन को मूवी की लीड ने सही किया था वो सही तरीके से हुए हैं या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मूवी की सीरियल क्लियर अब भी जिंदा है या नहीं। तो चले इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। और अब बिना टाइम को वेस्ट के चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, मूवी की कहानी की शुरुआत की जाती है ईयर 2019 से, जिस टाइमलाइन में हम सियोन के कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत डिप्रेस्ड रहती है, जिसका रीजन है सियोन के डैड का उसकी यंग एज में मर जाना, जिसकी मौत का जिम्मेदार सियोन किसी और को नहीं बल्कि अपनी माँ को मानती है, जिसे कभी भी अपने मेकअप से फुर्सत नहीं मिली। ऐसे ही जब एक दिन सियोन की माँ जल्दबाजी में घर से बाहर निकली थी तो वो गैस बंद करना भूल गई थी, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग गई और सियोन के डैड मारे गए और सियोन को भी थोड़ी बहुत चोट लग गई। यही रीज़न है कि इन दोनों माँ बेटी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए जब डॉक्टर सियोन को उसकी माँ के ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताता है तो वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती, मानो जैसे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं। और दूसरी तरफ सियोन की माँ ने यह मान लिया है कि वो कुछ ही दिन में मर जाएगी, लेकिन इसकी माँ मरने से पहले अपनी बेटी का फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर करना चाहती है। और एक और बात कि सियोन की माँ की ये ख्वाहिश है कि उनकी डेथ के बाद उन्हें उनके हस्बैंड के कब्र के साथ ही दफनाया जाए। ये बात सियोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी माँ को डांटकर अपने घर चली जाती है, जिसके रास्ते में उसका मोबाइल गुम हो जाता है और उसकी मुलाकात संगू से होती है, जो सियोन के विलेज का एक स्ट्रॉबेरी फार्मर है। और वो सियोन को वहाँ से सीधा उसके घर ड्रॉप करता है, जहाँ जाने के बाद सियोन को एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है, जहाँ सामने वाली शख्स सनही नाम की बंदी को ढूंढ रही है। लेकिन रॉन्ग नंबर लगने की वजह से सियोन उसकी कॉल काट देती है, और ऐसा कई बार होता है। और बार बार सामने वाली शख्स जिसका नाम यंग सुक है, उसे ऐसा ही लगता है कि शायद सन ही उसकी घटिया मजाक कर रही है, जो यंग सुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि यहाँ यंग सुक की जान पर बनी है और बार बार उसे उसकी माँ काफ़ी टॉर्चर करती है, जो कि यंग सुक की सुतेली माँ है। और दूसरी तरफ सियोन को उसके घर में एक बेसमेंट मिलता है, जिसके बारे में उसके घर के किसी मेंबर को नहीं पता था। वहाँ पर नीचे जाने के बाद उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल डायरी मिलती है, जो डायरी किसी और की नहीं बल्कि यंग सुक की है, जिस पर उसने अपनी काफ़ी सारी ड्रीम्स लिखी हुई हैं। और उसी के साथ उस डायरी में सियोन को यंग सुक की पिक्चर भी मिलती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो ईयर 1999 की है, जिसके बाद वो यंग सुक की पिक्चर गाँव के स्ट्रॉबेरी फार्मर को दिखाती है, जो यंग सुक को पहचानता है। और वो सियोन को ये बताता है कि यंग सुक उसकी माँ के साथ इस गांव में उसी घर में रहती थी जिसमें अब सियोन रहती है। और इसके अलावा वो स्ट्रॉबेरी फार्मर सियोन को ये भी बताता है कि यंग सुक एक काफ़ी अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी माँ को लोग काला जादू करने वाला मानते थे, जिसका बिहेवियर अपनी बेटी यंग सुक को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सियोन को सनी नाम के स्टोर भी दिखती है, और सियोन को ये बात साफ साफ पता चल जाती है, जो कॉल उसे आ रही है वो एक्चुअल में एयर 1999 की है, जिस बात पर भरोसा यंग सुक को बिल्कुल भी नहीं होता। जिसके बाद सियोन इसकी कंफर्मेशन यंग सुक की पर्सनल डायरी पढ़कर उसे देती है, और फिर यहाँ से इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है, जिसके बाद सियोन यंग सुक को फ्यूचर की सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि किस तरह से अब फ्यूचर में स्मार्टफोन्स आ गए हैं, जिससे घर में ही बैठकर शॉपिंग तक कर सकते हैं और एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग की मदद से देख भी सकते हैं, जिस बात पर यंग सुक बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। और इसके बाद सियोन यंग सुक को उसके फेवरेट सिंगर के फ्यूचर सॉन्ग्स भी सुनाती है, जिसे यंग सुक बाद में कैसेट में रिकॉर्ड करके अपने पास रखती है। लेकिन ये सब कुछ सियोन यंग सुक को किसी काम के बदले में देती है, जो काम उस पुराने टाइमलाइन में यानी कि एयर 1999 में सियोन के फादर को बचाने की है, जिसका आइडिया सियोन को खुद यंग सुक देती है। जब यंग सुक के घर सियोन अपने पेरेंट्स के साथ उनका घर देखने आती है, जिस घर को यंग सुक की माँ किसी भी हाल में बेचना चाहती है, क्योंकि यंग सुक की माँ को यही लगता है कि जो कुछ भी बुरा इस घर में हो रहा है वो उसी घर की वजह से है। खैर, तो यंग सुक अपनी माँ की नज़र से बचते हुए सियोन के बताए हुए एड्रेस पर पहुँचती है, यानी कि सियोन के पुराने घर पर, जहाँ सियोन और उसकी माँ थे, और उसकी माँ गैस को ऑन करके बाहर चली जाती है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यंग सुक उस गैस को ऑफ कर देती है और उसके फादर को उसने बचा लिया है, जिससे जलने के बर्निंग मार्क्स भी अब सियोन के पाँव पर नहीं।
जिस बात से सियोन काफ़ी ज़्यादा खुश है, इतनी खुश कि उसकी लाइफ अब पूरी तरह से बदल गई है। उसकी लाइफ जो अंधेरे में थी, अब उसके फादर के आ जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इतना कि वो अब पूरा टाइम अपने डैड को ही देना चाहती है, जो चीज़ अब कहीं ना कहीं यंगसुक को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि इस सब के चलते यंगसुक ने अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मार भी खाई है और अब सियोन यंगसुक को इग्नोर भी कर रही है। लेकिन जब उन दोनों की बातचीत हो रही होती है तो इसी बीच यंगसुक की माँ आकर उससे फ़ोन छीनती है और यंगसुक को यही वार्निंग देती है कि अब वो सियोन से बिल्कुल भी बात ना करें। ये चीज़ सियोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इंटरनेट पर यंगसुक के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है और हाँ, यंगसुक को ढूंढना भी कि फ्यूचर में वो अपनी लाइफ से कितना ज़्यादा आगे बढ़ी है। वो उसको फेसबुक और इंस्टा पर ढूंढती है पर वो वहाँ नहीं मिलती। फिर वो सोशल मीडिया से हटकर किसी क्राइम रिकॉर्ड में ढूंढती है कि उसके साथ पास्ट में कुछ बुरा तो नहीं हुआ था, जिसके बाद उसके सामने यंगसुक के पूरे पास्ट की डिटेल आ जाती है कि आज ही के दिन यंगसुक की माँ ने उसे मार दिया था किसी एक्सोर्सिज्म के चलते, जिसके बाद उसकी माँ को सीधा जेल में डाल दिया गया। ये बात वो यंगसुक को बताती भी है और यंगसुक अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लेती है। ठीक जब उसकी माँ आए तो वो अपनी आंखों से अपनी सुतैली माँ को ये करते हुए देखे और फिर ऐसा होता भी है और फिर यंगसुक का सारा बचा हुआ टोस्ट उसकी माँ को लेकर टूट जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ को उन्हीं की लाई हुई नाइफ से मार देती है और फिर यहाँ पर यंगसुक की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और यंगसुक इसकी कोई भी डिटेल सियोन को नहीं देती सिवाय इसके कि सब कुछ ठीक है। पर हम देखते हैं यंगसुक को अपनी लाइफ आज़ादी से जीते हुए कि वो अब शॉपिंग भी करती है और बहुत ही ज़्यादा खाती भी है, जो उसे पहले करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। लेकिन यंगसुक की माँ मरने से पहले उसे सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न देती है कि वो यंगसुक को इसीलिए मारना चाहती थी कि यंगसुक के फ्यूचर में बहुत सारे मर्डर्स लगे हैं अगर वो ज़िंदा रहेगी तो, जो कि हमें देखने को भी मिलते हैं कि यंगसुक अपनी माँ को मारने के बाद दूसरा मर्डर किसी और का नहीं बल्कि उस टाइमलाइन में उसी स्ट्रॉबेरी फार्मर का करती है जो उसके घर में स्ट्रॉबेरीज देने आता है। लेकिन जैसे ही सियोन यंगसुक से बात करके नीचे जाती है तो उसे संगहू अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ नहीं मिलता, जिसके बारे में वो अपने पेरेंट्स से भी पूछती है लेकिन उन्हें संगहू जैसे नाम के इंसान के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर सियोन सीधा उस स्ट्रॉबेरी फार्म जाती है जो कि अब पूरी तरह से खंडर बन चुका है और फिर सियोन को ये पता चलता है कि उस फार्मर की मौत ईयर 1999 में हो गई थी। उसको किसी और ने नहीं बल्कि यंगसुक ने मारा था, वो भी इसलिए कि संगहू यंगसुक के घर बाकी सब घर की तरह स्ट्रॉबेरी देने गया था, जहाँ पर यंगसुक संगहू को घर पर इनवाइट करती है और वहीं पर संगहू यंगसुक की माँ की डेड बॉडी के पार्ट्स को उस रेफ्रिजरेटर में देख लेता है, जिसकी वजह से यंगसुक संगहू को मार देती है, जो बात अब सियोन को पता चल गई है, जिसके बाद अब सियोन वहाँ से सीधा एक स्टोर में जाती है जहाँ जाने के बाद उसे एक्चुअल में और डिटेल्स पता चलती हैं कि यंगसुक की माँ एक काफ़ी अच्छी औरत थी। जबकि यंगसुक ने सियोन को उसकी माँ के बारे में सब बुरा ही बताया था कि किस तरह से उसकी माँ उसको टॉर्चर करती है। ये सब सुनकर सियोन घर जाती है और कॉल पर यंगसुक से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर यंगसुक उसे यही कहती है कि वो इन सब चीज़ों की टेंशन बिल्कुल ना ले। इसके बाद सियोन यंगसुक को ये बताती है कि फ्यूचर में यंगसुक को उम्र कैद की जेल हुई है, जिसके बाद यंगसुक सियोन को यही कहती है कि वो पता लगाए कि पुलिस ने उसको किस तरह से पकड़ा था, जिस काम के लिए सियोन बिल्कुल मना कर देती है और फ़ोन को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके अपना पीछा यंगसुक से पूरी तरह से छुड़ाने की कोशिश करती है, जिसमें कुछ टाइम तो वो कामयाब होती है। और संगहू के गायब होने की वजह से किसी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की है, जिसकी वजह से पुलिस यंगसुक के घर भी इंक्वायरी करने के लिए आती है, जिसमें से एक ऑफिसर को यंगसुक पर थोड़ा सा शक भी होता है क्योंकि वो उसके घर में स्ट्रॉबेरी को भी रखा हुआ देखते हैं। इसके जवाब में यंगसुक उनसे ये कहती है कि वो संगहू को जानती नहीं है और हो सकता है कि वो स्ट्रॉबेरीज उसकी माँ ने कल ली हों, जो फिलहाल 2 दिन से घर पर नहीं आई। और फिर उसकी यही गलती को पकड़कर पुलिस वाला यंगसुक से यही पूछता है कि अगर उसकी माँ 2 दिन से घर पर नहीं तो उसने स्ट्रॉबेरीज कल कैसे ली होंगी। और इन सब डिटेल्स को ऑफिसर अपनी नोटबुक में भी लिखता है और सबूत ना होने की वजह से वो दोनों ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद यंग सियोन और उसके पापा यंगसुक के घर आते हैं उसकी माँ से मिलने, जिसके बाद यंगसुक मौका देखकर उन दोनों को घर में बंदी बना लेती है।
वो सबसे पहले सियोन के डैड को वहाँ पर मार देती है, जिसका असर सियोन के फ्यूचर में होता है। और सियोन इस बात को साफ साफ समझ जाती है कि ये यंग सुक नहीं कर रहा है। जैसे ही वो यंग सुक से बात करने के लिए सियोन अपने घर पर आती है, तो वो देखती है कि वो घर अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि अब बिल्कुल खंडर बन चुका है। जिसके हॉल के एंट्रेंस में यही लिखा है कि सियोन फ़ोन उठाओ, जो कि अभी भी वहाँ पर बज रहा है। जिसके बाद सियोन फ़ोन उठाती है और यंग सुक को ये सब करने से मना करती है, क्योंकि सियोन अब उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। जिस पर यंग सुक ये कहती है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगी तो वो अगला मर्डर यंग सियोन का करेगी, जो इस वक्त उसी के साथ उसके घर में है। सियोन को ना चाहते हुए भी यंग सुक की मदद करनी पड़ती है, और अब वो इसमें एक चाल डालती है यंग सुक को मारने की। वो भी उस टाइमलाइन की ऐसी लोकेशन पर भेजकर जहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत डैमेज होने वाला है, लेकिन उस सिचुएशन से भी यंग सुक सही सलामत बच जाती है। सियोन यंग सुक को ये कहकर भेजती है कि खून से भरे नाइफ को एक कचरे वाला पुलिस को लेकर दे आएगा। लेकिन अब जब यंग सुक बच गई है तो सियोन को सजा मिलना तो तय है, जो यंग सुक उसे बर्निंग मार्क्स देकर देती है। और इसी के साथ साथ वो सियोन को ये सच भी बताती है कि उस दिन गैस ऑन उसकी माँ ने नहीं, सियोन ने ही रखी थी, यानी सियोन भी यंग सुक की तरह ही है। जिसके बाद सियोन वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और उस पुलिस ऑफिसर की पर्सनल डायरी को चुरा लेती है, जहाँ से उसे उस कचरे वाले का एड्रेस भी मिलता है। उसके बाद वो उसका एड्रेस सीधा यंग सुक को दे देती है, जो वहाँ टाइम पर जाकर उस बूढ़े लाचार शख्स को मार देती है और नाइफ को भी जला देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोन की माँ पहले तो यंग सुक के घर जाती है, और जब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो सीधा पुलिस स्टेशन अपने हस्बैंड और बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती है, जिस रिपोर्ट को लेकर वहाँ की पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती। लेकिन एक ऑफिसर यंग सुक के घर का एड्रेस सुनकर सियोन की माँ की हेल्प के लिए मान जाता है, और वो दोनों वहाँ से सीधा यंग सुक के घर चले जाते हैं। जहाँ जाने के बाद पुलिस ऑफिसर अपनी डायरी में ये भी नोट करते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट पर सियोन की माँ ने अपने हस्बैंड को कॉल लगाई, और अब उसी कॉल को अटेंड करने की कोशिश सियोन अब यंग सुक के घर में प्रेजेंट में करने वाली है, जिस घर में यंग सुक रहती है, जिसने अपने घर में कई सारे फ्रिज पहले से रखे हैं, जिनमें कई सारी लाशें भी हैं जिन्हें बेमतलब यंग सुक ने मारा है। अब सियोन की आने की आवाज़ यंग सुक ने सुन ली है, जिसे देखने के लिए वो सीधा हॉल की तरफ जाती है, जहाँ से सीधा सियोन उस फोन को लेती है और वहाँ से सीधा बेसमेंट में चली जाती है। जहाँ जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं, और वहीं पर सियोन यंग सुक के गले पर नाइफ के मार्क्स को भी नोट करती है। सियोन फ़ोन पर अपनी माँ को सीधा उस घर से निकलने के लिए कहती है, जो उसकी बात नहीं सुनती, और यंग सुक उस ऑफिसर को मार देती है, जिसके बाद उसकी तैयारी सियोन की माँ को मारने की होती है। और प्रेजेंट में भी ओल्डर यंग सुक सियोन के साथ कुछ ऐसा ही करने वाली होती है, जहाँ से सियोन भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, और अपनी माँ से कॉल पर बात करते हुए वो यही गाइडेंस देती है कि वो अपने आप को किसी भी तरह वहाँ से बचाएं। जिस बात को सुनकर सियोन की माँ पहले तो एग्री होती है, लेकिन फिर यंग सुक छोटी सियोन को उस दरवाजे के बाहर लाकर खड़ा कर देती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर उसकी माँ सीधा अपनी बेटी को बचाने पहुंच जाती है। जिसके बाद यंग सुक नाइफ से पहले उसकी माँ की पीठ पर वार करती है, लेकिन जैसे तैसे करके सियोन की माँ अपना डिफेंस करती है, और अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में वो यंग सुक को लेकर फर्स्ट फ्लोर से कूद जाती है, जहाँ से गिरकर यंग सुक मारी जाती है। लेकिन सियोन की माँ नहीं, जो इस इंसिडेंट से बच गई है, और उन्होंने अपनी बेटी के साथ फ्यूचर में सर्वाइव भी कर लिया, और अब पास्ट में इतना कुछ हुआ है तो डेफिनेटली उसका असर फ्यूचर में भी होगा। हम सियोन को सही सलामत उस टूटे फूटे घर में देखते हैं, जहाँ पर अब यंग सुक का ओल्डर वर्जन नहीं है। जिसके बाद वहाँ से सीधा सियोन हॉस्पिटल जाती है अपनी माँ को मिलने के लिए, जो उसे वहाँ नहीं मिलती, और उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, जहाँ से वो सीधा ग्रेवयार्ड जाती है। उसे ग्रेवयार्ड में ढूंढने के बाद उसको सिवाय अपने डैड की ग्रेव के अलावा उसकी माँ की ग्रेव नहीं मिलती। फिर वहाँ उसकी माँ बिल्कुल सही सलामत होती है अपनी बेटी को देखने के लिए, और दोनों वहाँ से हंसी खुशी जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये नोटिस करवाया जाता है कि सियोन की माँ की गर्दन में भी वैसा ही नाइफ का निशान है, जैसा नाइफ का निशान हमने ओल्डर यंग सुक की नेक पर देखा था। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में ये बात साबित हो जाती है कि ओल्डर यंग सुक ने उसी घर से यंगर वर्जन को भी कॉन्टैक्ट किया था, जिसके बाद उसने अपने यंगर वर्जन को पूरी तरह से प्रिपेयर कर रखा था कि उसे किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है सियोन की माँ और पुलिस ऑफिसर के आ जाने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से गिरने के बाद यंगर यंग सुक अभी भी जिंदा है, और प्रेजेंट में सियोन की माँ उस ग्रेवयार्ड से ही गायब हो जाती है, और सियोन किसी बेसमेंट में बंदी पड़ी है, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि मूवी में सेकंड पार्ट के लिए काफ़ी आंसर्स को बचा कर रखा गया है।
जिनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि यंगसुक और सियोन आपस में एक दूसरे से फोन पर कैसे बात कर सकते हैं। तो याद करें, जब यंगसुक की माँ उसे ये कहती है कि इस घर में कुछ बुरा है जिसकी वजह से उन्हें इस घर को जल्द से जल्द छोड़कर चले जाना चाहिए, जहाँ से जाने के बाद यंगसुक भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनकी सिचुएशन भी, यानी कि उस घर में पास्ट में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ था जिसकी वजह से हमें ऐसे बटरफ्लाई इफेक्ट्स इस मूवी में होते हुए दिखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यंगसुक के फादर ने ही कुछ न कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से इस घर से कनेक्शन फ्यूचर के लैंडलाइन में किया जा सके। तो अब इस मूवी में ये बात तो साफ हो गई है कि अगर इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में विक्ट्री यंगसुक को दी गई है, तो सेकंड पार्ट में विक्ट्री डेफिनेटली सियोन के कैरेक्टर को मिलेगी। और रही बात मूवी के टू टाइमलाइंस की, तो हो सकता है कि ऐसा कोई तीसरा रास्ता मूवी में हमें तीसरी टाइमलाइन का भी दिखाया जाए, जिसकी मदद से और पास्ट में जाकर सियोन सब ठीक कर देगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ही रहकर सियोन सारी की सारी सिचुएशन को पास्ट की यंगसुक के लिए बिगाड़ दे और खुद की ठीक करे। क्योंकि अगर देखा जाए तो मूवी में पास्ट और प्रेजेंट के जो कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, उसमें अभी तक तो इस पार्ट में यंगसुक को ही इतना पावरफुल दिखाया गया है जो पास्ट में कुछ भी करके सियोन के फ्यूचर को बुरी तरह से बिगाड़ सकती है। और सियोन की नज़रों से देखें तो सियोन के पास फ्यूचर है, जिस फ्यूचर में उसके पास सारी की सारी हिस्ट्री यंगसुक के कैरेक्टर की रहेगी कि उसने फ्यूचर में क्या क्या क्राइम्स किए हैं और जिसमें से उसे किसकी सज़ा मिली और किसकी नहीं। दोनों ही एक दूसरे के बुरी तरह से हार्म कर सकते हैं, जिसमें से यंगसुक अपने पास्ट के वेपन को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती है, लेकिन फिलहाल तो सियोन नहीं, जिसकी वजह से अब उसे प्रेजेंट टाइमलाइन में ओल्डर यंगसुक ने अपना बंदी बनाकर उसी बेसमेंट में रखा हुआ है। और रही बात उस नाइफ के मार्क की, जो हमने सियोन की माँ की गर्दन पर भी देखा और ओल्डर यंगसुक की गर्दन पर भी, तो उससे हो सकता है कि सियोन ने प्रेजेंट में अपनी माँ को नहीं बल्कि ओल्डर यंगसुक को ही देखा होगा। और प्लास्टिक सर्जरी की वो थ्योरी इस सिचुएशन में अगर अप्लाई करें, जो थोड़ी बचकानी लगती है और थोड़ी नहीं भी, लेकिन अब जबकि इस मूवी का सेकंड पार्ट आया नहीं है, तो इस आइडिया को भी थोड़ा बहुत पकड़ कर चलना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मूवी की एंड को हमारे सामने रखा गया है, उसमें तो हमने पास्ट में यंगसुक को मारते हुए देखा और प्रेजेंट में यंगसुक के ओल्डर वर्जन को गायब होते हुए, लेकिन उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जितनी डिटेल में हमें सियोन के फादर को गायब होते देखा था। यानी कि सियोन को एक तरीके से यंगसुक ने बेवकूफ़ बनाया होगा कि उसका फ्यूचर बिल्कुल ठीक है और वो सही सलामत है, अपनी माँ के साथ अपनी लाइफ गुजार रही है। जबकि सच हमें कुछ अलग ही तरीके से दिखाया गया कि अगर मूवी के सेकेंड पार्ट में मूवी के डायरेक्टर ने सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है उस फोन कॉल की, उसे सही ढंग से सॉल्व नहीं किया, तो मूवी का फर्स्ट पार्ट इलॉजिकली रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।